इमरान खान को पार्टी का नहीं मुल्क का वजीर आजम बनना चाहिए, अगर आप लीडर होते तो इजलास में शिरकत करते। बिलावल भुट्टो का कहना है कि सूबे कोरोना की वजह से अकेले नहीं लड़ सकते, वफाक को मदद करना होगी, सूबाई तासुब ना फैलाएं, आए सब मिलकर कोरोना का मुकाबला करें। पीपल्स पार्टी में सूबाई तासुब की बू आ रही है, अब कोई सिंध कार्ड नहीं, सिर्फ पाकिस्तान कार्ड चलेगा। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का कौमी असेंबली में इजहार ख्याल, ख्वाजा आसिफ ने शाह महमूद की तकरीर को तासुब पर मबनी करार दे दिया, कहते हैं सिंध हुकूमत अच्छा काम कर रही है, ये मानना पड़ेगा। लॉकडाउन में नरमी के बाद कोरोना फैलने लगा, 24 घंटे में मजीद 1,476 अफराद कोरोना से मुतासर, पाकिस्तान में तादाद 30,941 हो गई, 28 अफराद जान से गए, कोरोना से अमवात 667 तक पहुंच गए। कराची पुलिस का तीसरा एहलकार कोरोना से जंग बहक, शहीद एएसआई केपीओएमटी सेक्शन में तायुनात था, सिंध पुलिस के कोरोना से मुतासर एहलकारों की तादाद 151 हो गई, पंजाब पुलिस में कोरोना के 68 केस सामने आ गए, मुतासर एहलकारों की तादाद 211 हो गई। पंजाब हुकूमत ने सेहत के बजट में मजीद कमी कर दी, टीचिंग अस्पतालों के लिए अद्वियात के बजट में 50% कटौती कर दी गई, माली साल की चौथी सहमाही में अद्विया की खरीदारी मुतासर। कोरोना के बाद पंजाब का मालियाती खसारा 6 खरब 64 अरब की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया, 3 खरब 50 अरब में से सिर्फ 1 खरब 25 अरब के टैक्स वसूल किए जा सके, विफाक से 10 खरब का हिस्सा भी ना मिल सका। बोर्ड्स के तमाम इम्तिहानात मंसूख कर दिए गए, अगली क्लास में प्रमोशन बगैर इम्तिहान के होगी, दोबारा इम्तिहान देने, नंबर बेहतर बनाने और प्राइवेट इम्तिहान देने वाले तलबा के मसाइल जुमे तक हल हो जाएंगे, विफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद का ट्वीट। पाबंदी के बावजूद भारत से अद्वियात बरामद करने की इंक्वायरी शुरू, वजीर आजम के मौफने एहतसाब, शहजाद अकबर ने वजारत सेहत और तिजारत से रिकॉर्ड हासिल कर लिया, इब्तदाई रिपोर्ट काबीना को पेश की जाएगी। कौन होगा इन और कौन होगा आउट, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कल खिलाड़ियों के लिए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान करेगा। और इस्लामाबाद में बारिश, गर्मी का जोर टूट गया, अटक और दीगर इलाकों में भी बादल बरस पड़े, कई इलाकों में बिजली का निजाम दरहम बरहम। इमरान खान को पार्टी का नहीं मुल्क का वजीर आजम बनना चाहिए, अगर आप लीडर होते तो इजलास में शिरकत करते। बिलावल भुट्टो का कहना है कि सूबे कोरोना की वजह से अकेले नहीं लड़ सकते, वफाक को मदद करना होगी, सूबाई तासुब ना फैलाएं, आए सब मिलकर कोरोना का मुकाबला करें। पीपल्स पार्टी में सूबाई तासुब की बू आ रही है, अब कोई सिंध कार्ड नहीं, सिर्फ पाकिस्तान कार्ड चलेगा। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का कौमी असेंबली में इजहार ख्याल, ख्वाजा आसिफ ने शाह महमूद की तकरीर को तासुब पर मबनी करार दे दिया, कहते हैं सिंध हुकूमत अच्छा काम कर रही है, ये मानना पड़ेगा। लॉकडाउन में नरमी के बाद कोरोना फैलने लगा, 24 घंटे में मजीद 1,476 अफराद कोरोना से मुतासर, पाकिस्तान में तादाद 30,941 हो गई, 28 अफराद जान से गए, कोरोना से अमवात 667 तक पहुंच गए। कराची पुलिस का तीसरा एहलकार कोरोना से जंग बहक, शहीद एएसआई केपीओएमटी सेक्शन में तायुनात था, सिंध पुलिस के कोरोना से मुतासर एहलकारों की तादाद 151 हो गई, पंजाब पुलिस में कोरोना के 68 केस सामने आ गए, मुतासर एहलकारों की तादाद 211 हो गई। पंजाब हुकूमत ने सेहत के बजट में मजीद कमी कर दी, टीचिंग अस्पतालों के लिए अद्वियात के बजट में 50% कटौती कर दी गई, माली साल की चौथी सहमाही में अद्विया की खरीदारी मुतासर।
कोरोना के बाइस पंजाब का मालियाती खसारा 6 खरब 64 अरब की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। 3 खरब 50 अरब में से सिर्फ 1 खरब 25 अरब के टैक्स वसूल किए जा सके। विफाक से 10 खरब का हिस्सा भी न मिल सका। बोर्ड्स के तमाम इम्तिहानात मंसूख कर दिए गए। अगली क्लास में प्रमोशन बगैर इम्तिहान के होगी। दोबारा इम्तिहान देने, नंबर बेहतर बनाने और प्राइवेट इम्तिहान देने वाले तलबा के मसाइल जुमे तक हल हो जाएंगे। विफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद का ट्वीट। पाबंदी के बावजूद भारत से अद्वियात बरामद करने की इंक्वायरी शुरू। वज़ीर-ए-आज़म के मौवने एहतसाब शहजाद अकबर ने वजारत सेहत और तिजारत से रिकॉर्ड हासिल कर लिया। इब्तदाई रिपोर्ट काबीना को पेश की जाएगी। कौन होगा इन और कौन होगा आउट? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कल खिलाड़ियों के लिए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान करेगा। और इस्लामाबाद में बारिश, गर्मी का जोर टूट गया। अटक और दीगर इलाकों में भी बादल बरस पड़े। कई इलाकों में बिजली का निजाम दरहम बरहम। इमरान खान को पार्टी का नहीं मुल्क का वजीर आजम बनना चाहिए। अगर आप लीडर होते तो इजलास में शिरकत करते। बिलावल भुट्टो का कहना है कि सूबे कोरोना की वजह से अकेले नहीं लड़ सकते, वफाक को मदद करना होगी। सूबाई तासुब ना फैलाएं, आए सब मिलकर कोरोना का मुकाबला करें। पीपल्स पार्टी में सूबाई तासुब की बू आ रही है। अब कोई सिंध कार्ड नहीं, सिर्फ पाकिस्तान कार्ड चलेगा। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। ख्वाजा आसिफ ने शाह महमूद की तकरीर को तासुब पर मबनी करार दे दिया। कहते हैं सिंध हुकूमत अच्छा काम कर रही है, ये मानना पड़ेगा। लॉकडाउन में नरमी के बाद कोरोना फैलने लगा। 24 घंटे में मजीद 1476 अफराद कोरोना से मुतासर। पाकिस्तान में तादाद 30,941 हो गई। 28 अफराद जान से गए। कोरोना से अमवात 667 तक पहुंच गए। कराची पुलिस का तीसरा एहलकार कोरोना से जंबहग। शहीद एएसआई केपीओएमटी सेक्शन में तैनात था। सिंध पुलिस के कोरोना से मुतासर एहलकारों की तादाद 151 हो गई। पंजाब पुलिस में कोरोना के 68 केस सामने आ गए। मुतासर एहलकारों की तादाद 211 हो गई। पंजाब हुकूमत ने सेहत के बजट में मजीद कमी कर दी। टीचिंग अस्पतालों के लिए अद्वियात के बजट में 50% कटौती कर दी गई। माली साल की चौथी सहमाही में अद्विया की खरीदारी मुतासर। कोरोना के बाइस पंजाब का मालियाती खसारा 6 खरब 64 अरब की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। 3 खरब 50 अरब में से सिर्फ 1 खरब 25 अरब के टैक्स वसूल किए जा सके। विफाक से 10 खरब का हिस्सा भी न मिल सका। बोर्ड्स के तमाम इम्तिहानात मंसूख कर दिए गए। अगली क्लास में प्रमोशन बगैर इम्तिहान के होगी। दोबारा इम्तिहान देने, नंबर बेहतर बनाने और प्राइवेट इम्तिहान देने वाले तलबा के मसाइल जुमे तक हल हो जाएंगे। विफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद का ट्वीट। पाबंदी के बावजूद भारत से अद्वियात बरामद करने की इंक्वायरी शुरू। वजीर आजम के मौवने एहतसाब शहजाद अकबर ने वजारत सेहत और तिजारत से रिकॉर्ड हासिल कर लिया। इब्तदाई रिपोर्ट काबीना को पेश की जाएगी। कौन होगा इन और कौन होगा आउट? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कल खिलाड़ियों के लिए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान करेगा। और इस्लामाबाद में बारिश, गर्मी का जोर टूट गया। अटक और दीगर इलाकों में भी बादल बरस पड़े। कई इलाकों में बिजली का निजाम दरहम बरहम। और इस्लामाबाद में बारिश, गर्मी का जोर टूट गया। अटक और दीगर इलाकों में भी बादल बरस पड़े। कई इलाकों में बिजली का निजाम दरहम बरहम।